आज मैं आपको दिखाऊंगी कि पेज के दो पार्ट में हम कैसे सीनरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको पहले पेंट टूल यूज करना है। पेंट टूल से आप ब्लैक कलर की भी बॉर्डर से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और जो कलर आपको वाटर और स्काई का दिखाना हो, लैंड का या ग्रास का दिखाना हो, वो कलर से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सपोज मैं ऊपर स्काई दिखाने वाली हूँ, तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कोई भी लाइन पेंट टूल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सब लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको फिल टूल से ऐसे कलर फिल कर देना है। ओके, ये आसमान का कलर ऐसा नहीं होगा, स्काई का कलर ऐसा तो होता ही नहीं है। ओके, देन आफ्टर आप नीचे ग्रास दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर भी कर सकते हो। ओके, अब हम इसमें स्टैम्प और मैजिक टूल का यूज करके पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। ओके, पहले हम स्टैम्प टूल के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम सन ड्रॉ करना हो तो सन, बारिश के लिए रेन ड्रॉ करना हो तो रेन, आपको जो ड्रॉ करना हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम सन और ऐसे ट्री वगैरह ले लेते हैं। चलो, तो मैं अभी ये कोकोनट ट्री ले रही हूँ। ओके, इससे छोटा चाहिए तो आप इसको छोटा करके भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम ट्री के बाद लेंगे सन। ओके, तो इस तरह से सन आप उसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा, और छोटा करना चाहो तो छोटा। डन। अब हम लेंगे ऐसे हाउस वगैरह जो आपको ड्रॉ करना हो वो, हाउस इतना छोटा तो नहीं होगा तो आप इसको बड़ा करके भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, डन। देन आप यहाँ पे, मैं रेल पट्टी तो अभी नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, लेकिन इसमें से आपको जो कुछ भी चाहिए वो यूज कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो उसके बाद हम जाएंगे मैजिक टूल के अंदर। ओके, मैजिक के अंदर हम पहले ग्रास फाइंड आउट करेंगे। अप जाना होगा, डाउन और अप जाके सिर्फ आपको सिंपली फाइंड आउट करना है ग्रास। ग्रास यानी कि GGRASS। अब हम ग्रास ड्रो करेंगे इस तरह से। ओके, ग्रास ड्रो हो गया। अब हम इसमें ही फ्लावर फाइंड आउट करेंगे। फ्लावर FLOWER, उसमें आपको फ्लावर का जो कलर रखना है वो आपको सिलेक्ट करना है, और इस तरह से आप फ्लावर ड्रो करोगे। ओके, इस तरह से आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो। देन आपको अगर रेनबो बनाना है तो इसके अंदर आपको रेनबो भी मिल जाएगा। मैं यूज करती हूँ, ऑलवेज मैं रियल रेनबो ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि मुझे यही पसंद है, रियल रेनबो। ओके, देन आप रेनबो की जगह स्नोबॉल यूज करना चाहते हो तो अंडू करके मैं अभी रेनबो निकाल दूंगी और स्नोबॉल ऐसे ड्रॉ करूंगी। देन आफ्टर इतना कंप्लीट होने के बाद, अगर आपको कुछ और नया करना हो तो भी कर सकते हो। सपोज अगर आपको बर्ड्स चाहिए तो आप इसमें से बर्ड्स फाइंड आउट करके भी इसमें लगा सकते हो। बर्ड्स आपको ये एनिमल्स वाले स्टैम्प के अंदर मिल जाएंगे। फ्लाइंग हुआ बर्ड, सीगल। ओके, इस तरह से आप बर्ड्स
बर्ड्स भी स्टैम्प लगा सकते हो। ओके, तो ये है दो पार्ट्स वाले सीनरी पिक्चर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, यानी कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ इस छोटे से बेल बटन पर क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।